Hello guys, welcome back to my channel. So let's start our today video. But before starting today video, मैं अपने सभी viewers से कहना चाहूँगी, please go and subscribe to this channel because मैं इस channel पे हर दिन एक new video upload करती हूँ different. इधर वो programming के लिए हो, इधर वो markup language के लिए हो, इधर depend करता है कि what language machine does understand. तो वो सभी videos आपको इस channel पर available होंगी. So So without wasting any time, हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर न्यू टॉपिक दैट इज HTML के अंदर हम कैसे लिस्ट क्रिएट कराते हैं यूजिंग आर मार्कअप लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट. हैव अ लुक हियर. यहाँ पे मैंने आपको एक सेट ऑफ कोड प्रोवाइड कराया है. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस अपर पार्ट एंड देन दिस पार्ट. ये एक मैंने कंप्लीट कोड प्रोवाइड कराया है जिसमें मैंने कंटेन अपनी कराई है क्या लिस्ट को. अगर हम HTML के अंदर लिस्ट की बात करा रहे हैं तो हम पहले समझेंगे सबसे पहले लिस्ट एक्चुअली होता क्या है. लिस्ट की अगर हम बात करते हैं लाइक अगर हम हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लें सो हम डिफरेंट सामान के लिए क्या कराते हैं अपनी लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं. लाइक हमें मार्केट से क्या लाना है, हमें पल्सेस लाना है, हमें कॉस्मेटिक्स लाना है, हमें डिफरेंट वेसल्स लानी है, हमें ड्रेसेस लेके आनी है. सो हम क्या करते हैं इन सबको एक सेट ऑफ पेपर पे, हम कह सकते हैं पर्टिकुलर पेपर की हेल्प से हम उस पर राइट डाउन कराते हैं. इज़न्ट इट लाइक ये हमारा पेपर है, इस पर हमने राइट डाउन कराया है अपनी पर्टिकुलर लिस्ट. अब समटाइम्स क्या होता है हम इसमें पर्टिकुलर साइंस का यूज़ कराते हैं, जैसे हम डॉट बना देते हैं. समटाइम हम यूज़ क्या कराते हैं, हम इसमें नंबरिंग यूज़ कराते हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4. दैट इज़ हम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस क्या प्रोवाइड कराते हैं, नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं. दैट इज़ अगर हमें हमारी ड्रेस नहीं मिली बट कंपलसरी हमारा पल्सेस, दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी वाई करने की क्या है हमारी पल्सेस हैं. सो ये अगर हम नंबरिंग के थ्रू या हम इसको प्रिफर्ड सीक्वेंस में अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट कहेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हम इसे पर्टिकुलर साइन से अगर डिनोट कर रहे हैं लाइक डॉट जो मैंने अभी आपको बताया या डिस्क या स्क्वायर या कुछ भी नहीं, हम सिर्फ खाली इनको नेम प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये सेट ऑफ लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं क्या कहलाएंगे, स्टोर होंगे एज एन अनऑर्डर लिस्ट. हम ऑर्डर लिस्ट को कह सकते हैं ओ एल और अनऑर्डर लिस्ट को कह सकते हैं यू एल. सो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो कि ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है. नेक्स्ट अनदर लिस्ट हमारा HTML कंटेन कराता है, क्या कराता है वो है हमारी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं लाइक हमने आइटम प्रोवाइड कराया है, क्या आइटम हमने प्रोवाइड कराया है कॉस्मेटिक. अगर हम यहाँ पे कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक में डिफरेंट थिंग्स आती हैं. हम प्रोवाइड करा सकते हैं आई लैशेस, हम प्रोवाइड करा सकते हैं प्राइमर, हम प्रोवाइड करा सकते हैं एक्सेट्रा थिंग. दैट इज़ हम एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमें कॉस्मेटिक में पर्टिकुलर थिंग्स जो प्रोवाइडेड हैं वो क्या हैं. सो उन पर्टिकुलर थिंग्स को जो हमारे कॉस्मेटिक्स में एसेंशियल है हमें सिर्फ वही लेके आनी है. दैट इज़ हमें पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया है. और अगर हम डिस्क्रिप्शन को एग्जैक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्मेटिक का यूज़ किस लिए होता है, कॉस्मेटिक का यूज़ हमारे पर्सनल अपीयरेंस को ब्यूटीफाई कराने के लिए यूज़ होता है. इज़न्ट इट. सो कॉस्मेटिक एक पर्टिकुलर
है, वेसल्स का यूज़ क्यों होता है, हम स्टोर कराते हैं फूड, हम सर्व करते हैं फूड एंड हम कुक करते हैं फूड अपने वेसल्स में। ड्रेसेस जो हम वियर करते हैं, अगर पर्टिकुलर लुकआउट मिलता है वो इसलिए हम पहनते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेज, इधर वो वेस्टर्न हो, साउदर्न हो, एक्सेट्रा। दैट इज़ ये हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन अपने पर्टिकुलर लिस्ट के एलिमेंट का। सो हैव अ लुक हियर। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ बेसिक कोड की अपने अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट की अगर मैं बात करा रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सेट ऑफ कोड में हमने अपना थ्री लाइन्स स्टार्ट करी हैं, HTML हेड, देन हमने अपना स्टार्ट करा बॉडी, इनसाइड बॉडी मैंने एक हेडिंग प्रोवाइड करा दी है इस टू से, या हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट कंटेन करा रहे हैं या मेड करा रहे हैं HTML। हैव अ लुक हियर। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइल प्रोवाइड कराई है, दैट इज लिस्ट स्टाइल टाइप। ये जो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप है, इनसाइड हमारे की वैल्यू पेयर और डबल कोट्स के अंदर जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट में प्रोवाइड कराया है, की एंड वैल्यू पेयर जो हमारा प्रोवाइडेड है, एंड वैल्यू यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइडेड है हमारे यहाँ पे नन। नन का यहाँ पे क्या मीन्स है, दैट इज हमें ना अनऑर्डर लिस्ट में डॉट प्रोवाइड होंगे, ना हमें डिस्क प्रोवाइड होंगे, ना हमें स्क्वायर प्रोवाइड होंगे, हमें सिर्फ नॉर्मल कंटेनिंग आएगी आइटम्स की, लाइक सी डी ई, दैट इज पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम इसके अंदर कंटेन करा रहे हैं वो नॉर्मली प्रिंट आउट होके आएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट डैश स्टाइल डैश एंड टाइप। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर लिस्ट मेकर के लिए डिफाइनिंग प्रोवाइड होती है हमारी इसके अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। सो सबसे पहले हम बात क्या करा रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यू एल से, देन उसके अंदर पर्टिकुलर हमने लिस्ट का आइटम प्रोवाइड कराया है अपने किससे, एल आई। एल आई का यहाँ पे मीन्स है लिस्ट का आइटम प्रोवाइड कराया है, जो भी हमारी अनऑर्डर लिस्ट लिस्ट कंटेन करेगी या एलिमेंट्स कंटेन करेगी पर्टिकुलर आइटम, दैट इज लिस्ट आइटम। सो इस तरीके से हमने अपनी पर्टिकुलर अनऑर्डर लिस्ट बनाई। ये बात हुई हमारी बेसिक अनऑर्डर लिस्ट की। अब हम बात करते हैं अपनी क्या नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट की। अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने अपनी एक नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करा, उसमें मैंने लिखा लिस्ट आइटम। टू लिस्ट आइटम लिखने के बाद अपने अनदर आइटम में मैंने लिखा है, यहाँ पे अगेन लिखे यूएल ओपन करा, उसमें मैंने लिखा है अपने टू लिस्ट आइटम, एंड उस अनऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज करा दिया। दैट इज टी के अंदर हमारा कंटेन रहेगा ब्लैक टी एंड में। देन अगेन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने अपना यूज़ करा है क्या, यहाँ पे मैंने यूज़ करा है अपना क्लोजिंग ऑफ एल आई। ये एल आई की क्लोजिंग किस लिए, अब इस पर्टिकुलर टी के लिए है, नॉट फॉर दी पर्टिकुलर दिस आइटम। ये आइटम जो ग्रीन टी है इसका हमने पहले से ही लिस्ट का आइटम का एंडिंग टैग प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं हमने अनदर लिस्ट आइटम प्रोवाइड किया, हमने देन हमने क्लोज कराया है अपना अनऑर्डर लिस्ट को। दैट इज ये था हमारा नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने H2 एडिंग में मैंने सेम सेट ऑफ कोड की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ से हमारा HTML हेड बॉडी हमारा ओपन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद मैंने यहाँ प्रोवाइड कराई अपनी H2 हेडिंग है हमारी एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। हियर ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने कहा कि हम ओएन यूज़ करेंगे, एंड इनसाइड सब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया है टाइप ए। टाइप ए का अगर मैं आपको मीन्स बताऊँ, इसका मीन्स है स्टार्ट होगा विथ ए बी सी
नहीं लिख सकते थे, पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइप यूज होता है वो यूज होता है फ्रॉम दी स्टार्टिंग एलिमेंट्स, फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑर्डर जो हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने लिस्ट को। लाइक ये वन ए बी सी डी से ही स्टार्ट होगा, ये ई आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ये काफ़ी कंटेंट कुछ नहीं कराएगी, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। बट ये अगर हम स्टार्ट करेंगे विद बी ई और हम स्टार्ट करेंगे विद नंबर, सो सिक्वेंस जो चलता आएगा वो चलता आएगा फ्रॉम 50, 51, 52 फॉर कॉफ़ी टी एंड मिल्क। सो हमारी पर्टिकुलर ऑर्डर लिस्ट हमने अनदर क्रिएट करी विद स्टार्ट एट्रीब्यूट अंडर ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट सिमिलरली जैसे हमने अपनी यू एल को डिफाइन करा दैट इज अनदर लिस्ट नेस्टेड, सिमिलरली हमने नेस्टेड ओ एल को यहाँ पे डिफाइन किया। नेस्टेड ओएल का मीन्स, नेस्टेड का मीन्स अगर मैं आपको कहूँ एलिमेंट इनसाइड एलिमेंट, जैसे अगर हमने अपनी बात करी थी किसकी कॉस्मेटिक्स के अंदर, जैसे हमने आइटम लिखा बस उसके अंदर हमने इनसाइड एलिमेंट्स और प्रोवाइड करा दिए, लाइक हमें क्या चाहिए, आई लैशेज चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए, हमें कंसीलर चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज वो हमने एलिमेंट अनदर अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कंटेन कराए हैं जो लिस्ट के मेन आइटम्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी क्या डिस्क्रिप्टिव एचटीएमएल लिस्ट की। डिस्क्रिप्टिव एचटीएमएल लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको स्टार्ट कराए विद डी एल, दैट इज हम यूज ओपन करा रहे हैं अपना डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टाइलिंग
क्या करी है, दैट इज अ पर्टिकुलर हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। अब आप देख सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप है हमारी नन, जैसे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल में हमने लिस्ट स्टाइल टाइप प्रोवाइड किया है नन, दैट इज हमने यूएल का जो जितने भी एलिमेंट्स कंटेन है वो अनऑर्डर लिस्ट में एज अ नन कंटेन होंगे। इसमें कोई डैश नहीं, डॉट नहीं आएगा, कोई डिस्क नहीं आएगा, कोई उस बार नहीं कंटेन करेगा। नेक्स्ट इसका मार्जिन जीरो है, पैडिंग जीरो है। पैडिंग मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस वीडियो में। ओवरफ्लो इज हिडन, ओवरफ्लो हिडन का मीन्स यहाँ पे क्या है, दैट इज ए पर्टिकुलर कंटेन एलिमेंट है, इनकी जो राइटिंग है ओवरफ्लो नहीं करेगी, दैट इज हम कह सकते हैं ओवरराइट नहीं करेगी एक दूसरे के ऊपर, दैट इज ये हाइट है एक दूसरे से और डिफरेंट है एक दूसरे से। नेक्स्ट हमने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कराया है दिस। नेक्स्ट जो लिस्ट की आइटम है हमने एज अ लेफ्ट प्रोवाइड कराया, दैट इज फ्लोट करेंगे हमारे लेफ्ट में, दैट इज हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कराई है हमारे लिस्ट की आइटम। नेक्स्ट हैव अ लुक, जो हमारे होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट है वो ए टैग के अंदर है। सो लिस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर ए है उसको हमने स्पेसिफाई कराया है किससे, डिस्प्ले करेगा एज अ ब्लॉक, कलर होगा इनका वाइट, टेक्स्ट अलाइन करेगा हमारा सेंटर में, स्पेसिंग होगी इन सब में 16 पिक्सल एंड टेक्स्ट की डेकोरेशन होगी नन। आई होप ये आपको समझ में आया हो ईच एंड एवरी थिंग हियर। एंड ए होवर का मीन्स क्या है, दैट इज इट चेक करेगा कि इधर ये एक्टिव है हमारा पर्टिकुलर, इनएक्टिव है। मैंने होवर का मीन्स अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो टू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है होल प्ले लिस्ट का। ये जो हमारा था ये लिंक में मैंने प्रोवाइड कराया है, लिंक का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने प्रोवाइड कराया है दिस। सो लेट्स हैव अ लुक एट पर्टिकुलर वेब पेज हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। सी आप देख सकते हैं ये हमारा सेट ऑफ कोड है जो अभी मैंने आपको बताया होल डिटेल में। सो ये पर्टिकुलर हमें प्रोवाइड करा रहा है होल, एंड आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैश न्यूज लिखा हुआ आ रहा है। न्यूज़ पे क्लिक कराने पे ये हैश न्यूज़ प्रोवाइड होगा, देन हमारा एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड हो रहा है, देन ये हमारा प्रोवाइड हो रहा है अबाउट। दैट इज़ ये अगर हम डिफरेंट पेजेस को जब क्रिएट करेंगे उससे उनको अगर हम बनाना चाहें तो हम क्रिएट करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये ब्लैक प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज़ हमने इसको एज अ पर्टिकुलर ब्लॉक कंटेन कराया, दैट इज़ होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट। स्पेसिंग करी है पैडिंग से, फ्लोट करा है दैट इज़ लेफ्ट में, हम राइट भी कर सकते हैं, हम सेंटर भी कर सकते हैं। एंड जो हमारा प्रीवियस नेस्टेड लिस्ट जो हमने प्रोवाइड करी थी, पर्टिकुलर लिस्ट ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, हर एक लिस्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया है कि कैसे ये हमें पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।